जमीन को अधिग्रहण करने पहुंची भारी मात्रा में फोर्स, तीन दिन की हिदायत देकर वापस लौटी पुलिस पर। आज सुबह एसडीएम सदर ने फोर्स के साथ फुलवरिया फोर लेन जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए अपने घर व जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है कि हमें जमीन की सही कीमत सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, केवल धमकौनी दे रहे हैं मारने पीटने का कि मार पीट कर कर घर खाली करा लेंगे, मुआवजा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, यहाँ राजा की जमीन है, राजा दान दिए हैं इस गांव को, हम लोग कहाँ जाएं? मुआवजा नहीं देंगे, जमीन का मुआवजा नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएं? आज पता नहीं कितने पुश्त से कितना दादा पुरखा यहाँ मर गए, हमारे हम लोग सब लोग बचे थे, आज उन आवास देने के कह रहे हैं तो उसका क्या गारंटी है? आवास एक आदमी महान की एक कठे आवास मिली, एक आवास में बाल बच्चे कैसे रहेंगे? यहाँ तो है तो आज नहीं तो कल होगा तो ऊपर नीचे बनवा के बाल बच्चे रहेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे तो ऊपर से दूसरे के बसाएंगे तो हम लोग बाल बच्चे के कहाँ बस। फुलवरिया फोर लेन में सड़क निर्माण कार्य में बाधक बने अतिक्रमणकारियों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी फुलवरिया के ग्रामीण जमीन छोड़ने के लिए राजी नहीं है। आज सुबह एसडीएम सदर फोर्स के साथ खाली कराने के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद तीन दिन के हिदायत देकर बैरन वापस आना पड़ा। अब है उनका ये देन है कि ये सोचते हैं कि कारण से दलित बस्ती हटा दिया जाए ताकि ये इधर के बाध्य है, इनको हटा देंगे तो हमको इधर के हटाने में देर नहीं लगेगा और न इनको पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये उनका रणनीति ये है। तो पहले हम कहते हैं कि जब हमारी ये 12 फुट की रास्ता गई है, इतना ये किस लिए दी है प्रशासन, आर्मी किस लिए जमीन दी है हमको? ये कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय का मेरे पास, हमने कराम से आरटीआई के तहत मंगाया, रक्षा मंत्रालय इलाहाबाद से मंगाया, रक्षा मंत्रालय ने लिख के दिया कि ये कराम से हमारी संपत्ति नहीं थी, ये हमारी संपत्ति के बाहर है, आरटीआई द्वारा मंगाया। उसको कहते हैं कि ये जानते हैं, हमको फिन 1932 का नक्शा दर्शाते हैं, उसमें भी है 83, 84, 85 जो 85 है 84 रक्षा मंत्रालय की है, 85 जो सामने जहाँ पिलर बोरिंग हो रही हो, 86 का नाम से ये कब्रिस्तान बस्ती है वो जिसमें कब्रिस्तान है, हमारा 83 में का नाम से फुलवरिया हरदन बस्ती से लेकर पूरा घोसियान बस्ती सब है। तो बताइए 84 जो आगे के लोग हैं, तो बताइए ये दोनों बस्तियों को अगर उखेड़ दिया जाए तो जनता कहाँ जाएगी? शिवपुर फुलवरिया फोर लेन मार्ग निकलना है जिसमें यहाँ पे जो डिफेंस की लैंड पे अतिक्रमण करके 55 मकान बनाए गए हैं वो लोग प्रभावित हैं, उससे मकानों का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा चुका है और उनका मुआवजा तय किया जा चुका है कि कितना कितना किसका मुआवजा बटेगा। तीन राउंड की वार्ता अपर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में भी हो चुकी है कि आप उसमें मुआवजा सूची पूरी पढ़ के सुनाई जा चुकी है, उसकी कॉपी भी इन लोगों को सबको दी जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी को इसमें कब्जा लेना है, पीडब्ल्यूडी ने एक पत्र लिखा था कि हमें यहाँ पे कब्जा दिलाए जाने के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करा दी जाए, उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए जी। ये लगातार यहाँ के ग्रामीण विरोध भी करते हैं कि हमको जब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम खाली नहीं करेंगे, इस स्थिति में क्या होगा? मुआवजा देखिए, मुआवजा पूरी तरह से तैयार है, जो भी लीगल प्रोसेस है वही अपना करके ही हम लोग सारा काम करते हैं। लीगल प्रोसेस में इनको नोटिस भी दी जा चुकी है और इनको मुआवजे से सभी को भली भांति अवगत कराया जा चुका है। जहां तक जमीन के मुआवजे का सवाल है, जमीन चूंकि डिफेंस लैंड है इसलिए जमीन का मुआवजा इनको नहीं दिया जा सकता है, जो बने हुए निर्माण की लागत है उसका मूल्यांकन करा करके इनको मुआवजा दिया जा रहा है। वो अपने बातों पड़े हुए हैं, कोई अभी अपना घर खाली भी नहीं किया, इस स्थिति में इनमें से कुछ लोग स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें से अभी आपके सामने ही दो लोग देखिए, आपके सामने ही आए हैं इतनी भीड़ में, दो लोग स्वयं तैयार हैं। 8 लोग पहले थे। अच्छा, कितने लोग पड़े हैं इसमें? ये पूरा 55 मकान है, इनको मकान भी दिया जा रहा है आश्रय। इसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के पास कहीं रहने का स्थान नहीं है उन लोगों को आसरा योजना का आवास भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे जमीन की उचित मूल्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है और दी जा रही है तो सिर्फ मकान की। कुछ लोग घर छोड़ने के लिए राजी हैं तो कुछ लोग अभी भी विरोध में लगे हुए हैं।